नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या अंतर है। दोस्तों, जब हम टैली में काम करते हैं और किसी खर्चे का एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं तो वहां हमसे पूछा जाता है कि इसको किस हेड में रखना है। एक्सपेंस तो है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा और आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब गुड्स के प्रोडक्शन में या गुड्स को परचेज करने में जो भी खर्चा होगा वह डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहा जाएगा। वह खर्चा जिसका कनेक्शन डायरेक्ट उस गुड्स से होता है जिस प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, और वह खर्चा आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ा जाता है जिसके बाद तैयार किए गए प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। इस तरीके के जो भी खर्चे होंगे वह आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। दोस्तों, जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको रटकर याद करना है, बस समझना, आपको बेसिक चीजें समझते चलो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा होते हैं और ट्रेडिंग में उतना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं। अभी हम क्लियर कर लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या परचेज करना होता है? रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल आएगा वह डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब उस मटेरियल को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, फ्रेट पेमेंट करना पड़ेगा, वह भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि उसका भी जो खर्चा है वह भी उस गुड्स के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। और उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए और भी जो सामान हमें जरूरत पड़ेगी, जो खरीदना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट में यूज होगा, वो सारे जो एक्सपेंस होंगे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। और उस सामान को तैयार करने के लिए जो लेबर काम करेगी, जिसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे वेजेज एक्सपेंस, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और फैक्ट्री में जो आपका लाइट का बिल आएगा, जिससे आपकी मशीनरी चल रही है, वह भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो सीधा सीधा सा मतलब, जो खर्चा आपके प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा दे, जो खर्चा सीधा आपके कॉस्ट में ऐड हो रहा है उस गुड्स के जो आप सेल करते हो, सब डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वह खर्चा जो गुड्स को सेल करने में या ऑफिस से संबंधित होते हैं, उन सभी खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। इस तरीके के खर्चे जो बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए करने पड़ते हैं वह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। वह खर्चा जो बिजनेस में सेल की जाने वाली प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, वह खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल, आपको अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है तो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा वह भी आपका इनडायरेक्ट। आपका स्टाफ है, स्टाफ को सैलरी देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टाफ का बोनस बैंक से चार्ज कट रहा है, वह भी खर्चा इनडायरेक्ट। टेलीफोन का एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का मेंटेनेंस का खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा, एप्रिसिएशन डिस्काउंट आपने किसी को दिया, और जो आपके ऑफिस का लाइट का बिल आ रहा है, या आपने किसी से लोन ले रखा है, उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ये सब खर्चे क्या है? ये सब खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। और इन खर्चों का लिंक आपके जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है उसके कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों, मैटर क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? और इनडायरेक्ट में कई तरह के खर्चे होंगे। यही ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं ऐड होगा वह खर्चा जो आपने इनडायरेक्ट में डाल दिया, और जो आपने डायरेक्ट में डाल दिया वह सीधा आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में इफेक्ट करेगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और डिटेल में आपको अकाउंटिंग समझना है तो इस
पहली अकाउंटिंग की सीरीज में आप स्टार्टिंग से देखिए और हम धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल टैली में काम करना सिखाएंगे और उससे पहले हम आपको सभी बेसिक चीजें बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।